सर्दियों में लेमन के साथ ये एक चीज मिलाकर लगा लो, आपके हाथ पैर दूध जैसे गोरे और मक्खन की तरह मुलायम हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ब्यूटी ट्रीट में। फ्रेंड्स, सर्दियों में घरेलू कामकाज करने की वजह से कि आपके हाथों पैरों की स्किन ड्राई होकर फटने लगी है, काली पड़ने लगी है, यदि हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको लेमन के साथ कुछ ऐसी नेचुरल चीजें बताऊंगी जिन्हें मिक्स करके लगाने से आपकी स्किन निखर जाती है। क्योंकि सर्दियों के टाइम पे जब मौसम बदलता है तो आपकी स्किन काली पड़ जाती है और स्किन में ग्लो भी नहीं रहता, लेकिन अगर आप इसे यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो सर्दियों के टाइम में आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपकी स्किन चमकदार एंड ब्यूटीफुल दिखेगी। और हाँ, जितनी आसानी रेमेडी है ना, उतनी ही इफेक्टिव है आपके फटे काले ड्राई हाथों को मक्खन की तरह सॉफ्ट मुलायम एंड गोरा बनाने के लिए। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है लेमन। फ्रेंड्स, लेमन हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स को हटाता है, अनइवन स्किन टोन को टोन करता है एंड क्रिस्टल क्लियर ग्लोइंग स्किन आपको प्रोवाइड करता है। दरअसल लेमन में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड दाग धब्बों को कम्प्लीटली रिमूव करने का काम करता है, मीन्स डेट आपकी स्किन को निखारने का काम करता है लेमन। तो इस तरह से आपने हाफ लेमन जूस निकाल लेना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करना है ग्लिसरीन, तकरीबन हाफ चम्मच। फ्रेंड्स, ग्लिसरीन सर्दियों का मोस्ट इंग्रेडिएंट है जो हर घर में मौजूद होता है। ये आपकी स्किन को टाइट बनाता है, आपकी स्किन में स्मूथनेस लाता है, ग्लो लाता है, साथ ही सर्दी के कारण आपकी स्किन जो रूखी सूखी सी रहती है वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होती है और ड्राइनेस भी नहीं आती। थर्ड इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पतंजलि एलोवेरा जेल ले रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं, बट मार्केट वाला ही होना चाहिए। तो एक चम्मच भरकर आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर देना है। एलोवेरा जेल स्किन से कई सारी प्रॉब्लम को दूर कर स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन बनाने का काम करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है। फाइनली आप इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब रोज वाटर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें और स्टोर कर ले। आप इसे 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब आपने इसे कब और कैसे यूज करना है आइए देख लीजिए। फ्रेंड्स, जब आपका काम फिनिश हो जाए तो आपने इसे इस तरह से लेते हुए अपने हाथों पैरों पर मसाज करते हुए अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे नाइट में भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसे फेस पर लगाना चाहते हैं तो आप इसे फेस पर भी लगा सकते हैं, नो साइड इफेक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।